हेलो दोस्तों, कैसे यार तुम लोग? देखो मैं बहुत देर से गायब हूँ, मुझे पता है मैं कुछ काम से ही गायब था वैसे, और कुछ पर्सनल रीजन भी होते हैं यार। देखो आज का जो वीडियो है ना वो कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाला है। आज मैं तुम लोग को देने वाला अपना रूम का सेटअप टूर। एंड सच बोलूँ तो सब ऐसे ही करते हैं यार। देखो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इस रूम का 2 घंटा सफाई करा है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो अभी जो दिखने वाला है वो थोड़ा साफ सुथरा हो सकता है। मतलब एक्चुअली में इतना साफ सुथरा हमेशा नहीं रहता है, बट अभी जो तुम लोग देखने वाले वो थोड़ा बहुत साफ सुथरा होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड बताना मेरा सेटअप टूर, मतलब मेरा सेटअप कैसा है। एंड वीडियो के एंड में मैं तुमको दिखाऊंगा कि रियल चीज जिससे मैं 2 साल से एडिट करते आया हूँ, एंड मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब अगर ये सब कुछ ना भी रहना, बस वो मेरे हाथ में मिल जाए तो फिर मैं सब कुछ कर लूंगा, ठीक है? और उस चीज से मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेयर कम्स माय सेटअप। सबसे पहला सेटअप जो है ना वो कुछ और नहीं बल्कि मेरा सेकेंडरी फ़ोन है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करता हूँ। ये है Realme 7X Pro या ऐसे करके कुछ तो है यार, मुझे नहीं पता, बट काफ़ी सही सा फ़ोन है, बट मैं इसे काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये कीबोर्ड आता है Razer Huntsman Mini, काफ़ी OP सा कीबोर्ड है, आगे भी तुम्हें देखने को मिलेगा। फिर आता है मेरा प्यारा सा माउस जो कि है Razer Ultimate HyperX समथिंग लाइक हाइपर स्पीड, ऐसे करके कुछ तो है। और ये वायरलेस माउस है एंड काफ़ी OP माउस है यार। अगर तुम्हें गेमिंग वेमिंग करना है ना तो तुम ले सकते हो। और ये कीबोर्ड और ये माउस मिला के अगर तुम्हें 20K के अंदर मिल रहा है तो झपट कर ले लो। उसके बाद एंड हाँ, ये वायरलेस माउस है जो कि मैं तुम्हें बता चुका है। एंड उसके बाद आता है मेरा मतलब लाइक माइक जिसे मैंने ज़्यादा यूज़ तो नहीं करा है, बट जितना भी यूज़ करा है ये सबसे बेस्ट माइक है अभी के टाइम में। एंड तुमने सुना ही होगा हर दूसरे यूट्यूबर के पास ब्लू का माइक होता ही होता है। अब पता नहीं मैं इसे ऐसे टच क्यों कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आता है मेरा हेडफोन, हेडसेट जो भी बोलो। ये हेडफोन 7K के अंदर इतना OP स्पेक्ट्स के साथ आता है, मतलब लाइक इसका जो माइक क्वालिटी है वो भी काफ़ी OP है एंड साउंड क्वालिटी वो भी काफ़ी OP है। अगर तुम गेम खेलते हो या फिर उस टाइप का कुछ तो तुम्हें हर एक साउंड अच्छे से सुनाई देगा। एंड 7K प्राइस रेंज के अंदर ये काफ़ी सही सा, काफ़ी OP सा हेडफोन है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले चीज़ की तरफ जो कि है एलगाटो, जिसका मैंने यूज़ शायद 1 या 2 बार ही करा है अपने लाइफ में। ये बेसिकली तुम्हारे मोबाइल से लैपटॉप में स्ट्रीम करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो आता है ना वो है मेरा फेवरेट ईयरफोन जो कि है ZNS Pro X, जो कि बेस्ट ईयरफोन है मेरे हिसाब से और 2K प्राइस रेंज के अंदर आता है। तो तुम लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये मतलब थोड़ा अलग टाइप का ईयरफोन है, मे बी तुम्हें थोड़ा सा हैवी फील हो, लेकिन अल्टीमेट जो तुम्हारा साउंड क्वालिटी होता है ना वो बेस्ट इन क्लास है, तो तुम लोग ये भी देख सकते हो। एंड फाइनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डेकोरेशन। ये छोटे छोटे पौधे जो मैंने कुछ टाइम पहले ही मंगाया है क्योंकि मुझे रूम सेटअप टूर करना था। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, सच बोल रहा हूँ। एंड ये काफ़ी सही सा है, मुझे काफ़ी चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में मिल गया था, 400 में 4 पीस। एंड यही सब मैंने रख दिया यहाँ पे। एंड ये सब के पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है मेरा लैपटॉप जो कि है Dell G7। इसका स्पेक्ट्स तुम लोग ऑनलाइन देख सकते हो एंड इसका प्राइस रेंज ज़्यादा डिफर नहीं करता, ये 1,20,000 के अंदर तुम्हें मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हें लैपटॉप लेना है तुम ले सकते हो, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि PC लो, तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड अब लाइट्स ऑफ करके थोड़ा व्यू लेते हैं। Loyalty over royalty, y'all niggas know the vibes. Fuck your cutie beat, bitch. Whoop it, bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like Bruce Lee. Bitch, I'm by my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a 2-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. और अब ये सब के बाद आता है मेरा ग्रीन सोल का गेमिंग चेयर जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका प्राइस मैं नहीं बताऊँगा, तुम लोग खुद अमेज़ॉन में चेक कर लेना। और उसके बाद आता है मेरा सोनी का लाइक स्पीकर कह सकते हो तुम्हें से, बड़ा सा स्पीकर जिसका मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ, सच बोल रहा हूँ, लेकिन जब भी यूज़ करता हूँ ना बवाल मच जाता है यार घर में। इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा OP है, तुम कितने भी जोरों से बजाओ इसका साउंड फटने वाला नहीं है, काफ़ी सही सा है। एंड इसमें DJ लाइट भी है जो कि तुम देख सकते हो। एंड उसके बाद
वो चीज़ जो तुमने अभी ऊपर देखा ना वो मैं तुम्हें लास्ट में दिखाने वाला हूँ, अभी नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद ये है मेरा पढ़ाई वाला टेबल, स्टडी टेबल कह सकते हो, जिसका हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रखा है। अभी मैं इसका रो सब नहीं खोलने वाला, रो खोलूंगा तो और भी बुरा हाल है। इसके बाद ये आता है मेरा टीवी, जो कि मैं शायद सच बोलूँ तो 2-3 महीने से खोला भी नहीं होगा, बट काफ़ी अच्छा बनाता है रूम का लुक को। उसके बाद आता है ये वायरिंग, जो कि टीवी का वायरिंग है, एंड उसके ऊपर है वो वॉच, जो कि शायद वीडियो में काफ़ी छोटा दिख रहा है बट एक्चुअली में उसका साइज बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। अब मैं तुम लोग को ले चलता हूँ अपने बालकोनी में, जिसका व्यू दिन के टाइम में बहुत ही ओपी आता है यार, यहाँ बैठने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि अभी शाम हो चुका है, एंड ये है यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है, मतलब जो कि मेरे पापा मम्मी का सोफ़ा था, बहुत पहले उन्होंने लिया था। यहाँ पे नेट वेट सब है, हाथ वाथ धोने के लिए सब कुछ है। और उसके बाद इन सब के बाद ये है मेरा पूरा रूम। लेकिन मैं सच बोलूँ तो ये जो बेड यहाँ पे रखा हुआ है एंड यहाँ पे जो तुम्हें सोफ़ा दिख रहा है ना, ये सब कुछ चेंज होने वाला है बस 15 डेज के अंदर। और अगर तुम लोग मेरा रूम रेनोवेशन देखना चाहते हो तो तुम लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं यार, और बहुत सारे सामान है जो कि अभी तक पहुँचे तक नहीं है, मैंने ऑर्डर करा था। बट अगर इस वीडियो के अंदर 1.2K लाइक्स आ जाते हैं तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो चलो कमेंट्री को एंड करते हैं। सो ये था मेरा सेटअप टूर वीडियो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसे मैं भी कैसे भूल सकता हूँ, तुम लोग भी कैसे भूल सकते हो यार, ये देखो यार सिटी कौन बजा रहा है यार, ये देखो ये है मेरे चैनल का सिल्वर प्ले बटन। ये चीज मेरे को बहुत मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने के लिए। और इसके अलावा एक और चीज है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प किया वीडियो बनाने के लिए, वो था ये जो फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है आईफोन 11 प्रो मैक्स। और सच बोलूं तो यार ये फोन का बात ही कुछ और है। हाँ, शो ऑफ करने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी सही सा फोन है, बट उसके अलावा भी अगर तुम लोग एक एडिटिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे पास इतना बजट है, तो यार मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड ये काफ़ी 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 सही सा फ़ोन है। और मतलब तुम लोग जितना मेरे वीडियोज़ देखे हो ना, सारे फ़ोन मतलब सारे वीडियोज़ मैंने इसी से एडिट करा है। मेरे पास पहले ये सब कुछ नहीं था, मेरे पास ना माइक थे, ना हेडफोन था, ना कुछ भी नहीं था। मैं मतलब मेरा जो वॉइस तुम लोग सुनते हो ना, वो डायरेक्ट इस फ़ोन के रिकॉर्डर का है। अभी भी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने माइक से नहीं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट फ़ोन के माइक से कर रहा हूँ, मतलब फ़ोन के माइक से कर रहा हूँ। तो बस यही था मेरा सेटअप टूर। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, एंड तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर तुम लोग Q&A चाहते हो तो Q&A वीडियो मैं बना दूंगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड अभी के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। एंड किसी टाइप का वीडियो और चाहिए तो बोल देना, MCQs के अलावा लगभग सारे MCQs मैंने डाल ही दिए, एक दो चैप्टर को छोड़ के वो भी डाल दूंगा। तो चलो तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।